मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आई होप यू विल फाइन ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स समर वेकेशन से पहले मैंने आपको चैप्टर 3 तक करवाए थे, तो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 4। ठीक है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। ठीक है, द चैप्टर नेम इज़ बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री, सबसे पहले ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है ये समझेंगे हम। द वर्ड ज्योमेट्री इज ड्रॉन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ज्योमेट्रन, वेयर मतलब ये क्या है, जो ज्योमेट्री वर्ड है वो ग्रीक वर्ड ज्योमेट्रन से लिया गया है, जिसका मतलब वेयर ज्यू मीन्स अर्थ, ज्यू का मीन होता है अर्थ एंड मैटर मीन्स मेजरमेंट। ठीक है, ज्यू मीन्स मतलब अर्थ का मेजरमेंट करना, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्री। सम डिफाइंस, अब इसमें कुछ डिफाइंस हमारी यूज होती हैं, जैसा कि पहला है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है बच्चों, ए पॉइंट इज ए मार्क ऑफ पोजिशन, इट हैज़, देखो ए पॉइंट इज ए मार्क ऑफ पोजिशन, जैसे एक पेपर पे मैंने ऐसे एक डॉट लगाया ऐसे करके, तो ये क्या है हमारा, ये पॉइंट है। तो ए पॉइंट इज ए मार्क ऑफ पोजिशन, मतलब आपको जैसे पोजिशन बतानी है, जैसे मैं आपको कहूँ कि बेटा आप यहाँ से काम स्टार्ट करना, बेटा आप यहाँ से स्टार्ट करना, ऐसे मैं आपको मार्क लगा के बताऊँ तो मैं आपको पोजिशन बता रही हूँ कि आपको काम यहाँ से स्टार्ट करना है। तो इट हैज़, इसकी कोई लेंथ नहीं होती बेटा, ब्रेथ नहीं होती और थिकनेस नहीं होती। ठीक है, इट हैज़ नो लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस। ए पॉइंट कैन बी डिनोटेड बाय सिंगल कैपिटल लेटर ए कॉमा बी कॉमा सी एसेट्रा। बेटा पॉइंट को अगर आपने डिनोट करना है तो आप किसी भी सिंगल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है ए, और यू कैन राइट हियर बी, और यू कैन राइट हियर सी, कुछ भी लिख लीजिए आप। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट। आगे है लाइन। लाइन क्या होता है, तो देखो बेटा ए लाइन इज अ स्ट्रेट एंड एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शंस। जो लाइन, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन, क्या मतलब है, जैसे एक लाइन होती है, इसको आप इस साइड से भी जितना चाहे एक्सटेंड कर सकते हो, इस साइड से भी आप जितना चाहे एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब यू कैन एक्सटेंड फ्रॉम बोथ डायरेक्शंस, यहाँ से भी जितना भी चाहे बढ़ा लो, यहाँ से भी जितना चाहे बढ़ा लो, देयर इज़ नो लिमिट। और लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है ए बी ऐसे करके, इसका सिंबल ये होता है दोनों तरफ एरो लगाना। दोनों तरफ एरो लगाने का मतलब है कि आप दोनों तरफ से कितना भी चाहे एक्सटेंड कर लो। ओके, आगे है अवर थर्ड पॉइंट इज लाइन सेगमेंट। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा लाइन सेगमेंट। ये क्या होता है, द शॉर्टेस्ट जॉइन ऑफ टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। क्या कह रहा है वो, द शॉर्टेस्ट जॉइन ऑफ टू पॉइंट। बेटा जैसे कि मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, अब इसको हमने ज्वाइन कर दिया, तो इसको ज्वाइन करके ये शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट बन गया, तो इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। इसका मतलब होता है लाइन सेगमेंट और लाइन में यही अंतर होता है कि लाइन सेगमेंट में हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और हमें एंडिंग पॉइंट भी पता है। हमें ये पता रहता है कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे हमें इसका एंड करना है, लेकिन लाइन में हमें नहीं पता रहता। लाइन में जितना भी चाहे आप यहाँ से एक्सटेंड कर लीजिए और यहाँ से भी आप कितना चाहो एक्सटेंड कर लीजिए। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। देखो इसका ए बी नाम है, ए बी दे दो, और इसका सिंबल ये होता है ऐसे करके, जैसे मैंने ये लगाया। ये सिंबल लगाने का मतलब है कि ये अंडरस्टूड है कि आप यहाँ पे इसको लाइन सेगमेंट को शो कर रहे हो, और ये वाला जो मैंने एरो लगाया ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे आप लाइन को शो कर रहे हो। ओके, इज इट क्लियर। आगे है नेक्स्ट रे। बेटा रे क्या होता है, रे होता है द पार्ट ऑफ ए लाइन विच एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट से पी ऑन द लाइन इज कॉल्ड ए रे। क्या मतलब है, देखो एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है हमारी यहाँ पर, तो इसको मैंने क्या किया कि एक तरफ से तो ये फिक्स है, एक तरफ से ये फिक्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ए पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो दूसरी तरफ से इसमें एरो है, एरो का मतलब एक तरफ से आप कितना भी चाहे एक्सटेंड कर लीजिए, लेकिन इसका स्टार्ट करना फिक्स रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें पी इज़ कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट लिखा है ना, तो आप यहाँ पे पी कर लीजिए, जैसे मैंने बाय मिस्टेक ए लिख दिया, तो आप पी कर लीजिए, मतलब नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, पी दे दो, ए दे दो, तो पी को हमने इनिशियल पॉइंट माना है, तो यहाँ पे पी दे दीजिए। द पार्ट ऑफ ए लाइन विच एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन, तो मतलब एक डायरेक्शन से आप कितना भी चाहे एक्सटेंड कर लो, और फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट से पी, ये पी हमने फिक्स पॉइंट लिया है यहाँ पर ऑन द लाइन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से कितना भी चाहे बढ़ा दो, तो ये आपकी क्या होगी, लाइन। इसमें पी इज कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रे, पी को हम बोलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट। इट इज़ डिनोटेड बाय ए बी। देखो इसका साइन ये होता है, एक तरफ ऐसे डॉट लगा के, एक तरफ एरो, इसका मतलब यहाँ से फिक्स है, यहाँ से फिक्स नहीं है, कितना भी चाहे आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रे। आगे है बच्चों अगला पॉइंट हमारा, अगला पॉइंट है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है,
इफ़ टू लाइन्स हैव ए कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेप्टिंग लाइन। देखो जब टू लाइन्स के बीच में एक कॉमन पॉइंट होता है, और यू कैन से कि वेन एवर टू लाइन्स मीट एट द वन पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पे मीट कर रहा है ओ पे, तो ओ इज़ कॉल्ड कॉमन पॉइंट और ये होगी हमारी इंटरसेप्टिंग लाइन। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही कॉमन पॉइंट पे कट रही हैं। आगे है बच्चों नेक्स्ट हमारा पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स क्या होता है? टू लाइन्स इन अ प्लेन विच डू नॉट मीट एट ए पॉइंट वैन प्रोड्यूस इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शंस आर नोन एज पैरेलल लाइन्स। देखो बच्चे पैरेलल लाइन्स वो होता है, एक तो ये दोनों किसी भी कॉमन पॉइंट पे मीट नहीं करती, ये ध्यान रखना, कॉमन पॉइंट पे मीट नहीं करती। अब जैसे ये एक लाइन ड्रॉ करी है मैंने, आप यहाँ से भी चाहे जितना एक्सटेंड कर लो यहाँ से भी लाइन को, क्योंकि लाइन को तो हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। और ये आर एस लाइन है, हेयर इज मतलब यहाँ पे क्या है, वन पी क्यू लाइन है और सेकंड इज आर एस, तो ये दोनों की दोनों हमारी पैरेलल लाइन है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रही। ठीक है, आगे है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कर्व। ये मैंने जितना भी इसमें डिफाइन लिखा है वो पूरे चैप्टर का एक साथ डिफाइन लिख के समझा रही हूँ मैं आपको, पूरे फोर्थ चैप्टर का। तो जब पूरा डिफाइन हमारी समझ में आ जाएगा उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, आगे है बच्चों कर्व। ये सारा काम आपको बच्चों फेयर में करना है, फेयर नोटबुक में साथ ही साथ आप करते जाना, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, योर राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, अच्छे से करिएगा। अब देखो कर्व क्या होता है, इफ़ वी ड्रॉ इसका ए पॉइंट, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जैसे ए बी सी डी, ऐसे एक्सप्लेन करूँगी मैं, टॉपिक हमारा कर्व है। तो इफ़ वी ड्रॉ सम ऑफ दीज ड्रॉइंग स्ट्रेट और नॉन स्ट्रेट विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल फ्रॉम द पेपर एंड विदाउट द यूज ऑफ ए रूलर देन वी गेट ए कर्व। क्या कह रहा है वो, कहते एक तो जो जब भी आपने कर्व बनानी है एक तो रूलर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना, और दूसरी बात कर्व का मतलब है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक पेंसिल रखी, देखो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे पेन रखा, पेंसिल रखी कुछ भी, तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ, देखो मैं पेंसिल नहीं उठा रही हूँ, देखो ऐसे करके मैंने यहाँ पे छोड़ा, ऐसे मैंने बिल्कुल भी पेंसिल नहीं उठाई, तो इसका मतलब है कि आप पेपर से पेंसिल को नहीं उठाएंगे, लगातार उसको कंटिन्यूस ड्रॉ करेंगे, और इसमें स्ट्रेट और नॉन स्ट्रेट मतलब कि इसमें कोई स्ट्रेट लाइन वगैरह नहीं होती है, कोई रूलर इस्तेमाल नहीं होता, तो इस तरीके से आप जो ऐसे करके बनाओगे तो ये क्या हमारी क्या कहलाती है, कर्व। ठीक है, आगे है सिंपल कर्व। ए सिंपल कर्व इज़ वन दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। एक सिंपल कर्व वो होती है जो अपने आप में क्रॉस नहीं होती, जैसे देखो जैसे मैं एट बनाऊँ ऐसे करके, ऐसे एट बनाऊँ तो अपने आप में क्रॉस हो रहा है ना, ऐसे करके क्रॉस हो रहा है, तो ऐसी सिंपल कर्व वो होती है जो क्रॉस नहीं होती। ठीक है, आगे है बच्चों इसका, आगे बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के भेजती हूँ। ओके, हैव ए नाइस।